नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल करियर पॉइंट पर। दोस्तों, आज हम आपके लिए रेलवे NTPC लेवल 1 से रिलेटेड जनरल अवेयरनेस का प्रैक्टिस टेस्ट 18 लेकर आए हैं। दोस्तों, आज के इस टेस्ट में हमने टॉप 40 क्वेश्चन रखे हैं जो कि आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। दोस्तों, आज की क्लास आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाली है। अगर आप अपने एग्जाम को अच्छे स्कोर के साथ क्रैक करना चाहते हैं तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन पर भी क्लिक कर लें ताकि हम जो भी लेटेस्ट वीडियो डालें उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच के। दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आए प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर करें। चलिएगा दोस्तों, आज के क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं दोस्तों पर। लेकिन उससे पहले दोस्तों, अगर आपको किसी भी क्वेश्चन पर डाउट हो तो उसका कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर दें। देखिए दोस्तों, आज का क्वेश्चन देखिएगा, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। देखिएगा, फर्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, भारत के कितने राज्य समुद्र के किनारे पर हैं? भारत के कितने राज्य समुद्र के किनारे पर हैं? कितने हैं दोस्तों? कितने हैं? 9 राज्य, 9 स्टेट हैं दोस्तों जो कि समुद्र के किनारे पर हैं। ऑप्शन डी यहाँ बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से किस राज्य में तेल शोधनशाला नहीं है? निम्नलिखित में से ऐसा कौन सा स्टेट है जिसमें तेल शोधनशाला नहीं है? यहाँ पर इससे आंसर कौन सा हो जाएगा दोस्तों? कौन सा हो जाएगा दोस्तों? जी हाँ दोस्तों, छत्तीसगढ़ में कोई भी तेल शोधनशाला नहीं है। ऑप्शन सी बिल्कुल यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा, निम्न में से किसने भारतीय वनों के वर्गीकरण की योजना प्रस्तुत की थी? निम्न में से किसने भारतीय वनों के वर्गीकरण की योजना प्रस्तुत की थी? किसने की थी दोस्तों? जी हाँ दोस्तों, हैरी चार्ल्स चैंपियन ने पेश की थी दोस्तों। यहाँ पे ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों, अगर आप अपने एग्जाम को अच्छे स्कोर के साथ करना चाहते हैं, क्लियर करना चाहते हैं, तो दोस्तों इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा और दोस्तों कमेंट बॉक्स में अपने आंसर जरूर दें। चलिए देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, किस पुरास्थल के दुर्ग में 7 अग्निकुंड प्राप्त हुए हैं? किस पुरास्थल के दुर्ग में 7 अग्निकुंड प्राप्त हुए हैं? कहाँ पर प्राप्त हुए हैं दोस्तों? यहाँ पे इससे आंसर कौन सा हो जाएगा? जी हाँ दोस्तों, लोथल में 7 अग्निकुंड प्राप्त हुए हैं। ऑप्शन डी बिल्कुल यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, किसी संविधान संशोधन द्वारा केंद्रीय मंत्रियों की संख्या लोकसभा की कुल सदस्य संख्या के 15% पर सीमित कर दी गई है? ऐसा कौन सा संविधान संशोधन हुआ दोस्तों जिसके द्वारा केंद्रीय मंत्रियों की संख्या लोकसभा की कुल सदस्य संख्या के 15% पर सीमित कर दी गई है? कौन सा है दोस्तों? जी हाँ दोस्तों, 91वां संविधान संशोधन हुआ था, उसके तहत केंद्रीय मंत्रियों की संख्या लोकसभा की कुल सदस्य संख्या का 15% पर सीमित कर दी गई थी। ऑप्शन सी बिल्कुल यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, G15 क्या है? G15 क्या है दोस्तों? क्या है? जी हाँ दोस्तों, विकासशील देशों का समूह है। G15 विकासशील देशों का समूह है। ऑप्शन सी आप बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा, एशिया का नोबेल पुरस्कार किसे कहा जाता है? एशिया का नोबेल पुरस्कार किसे कहा जाता है दोस्तों? किसे कहा जाता है? जी हाँ दोस्तों, रमन मैग्सेसे पुरस्कार को कहा जाता है एशिया का नोबेल पुरस्कार। ऑप्शन बी बिल्कुल यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा इसका। नेक्स्ट देखिएगा, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाला है। दोस्तों, जिन्होंने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया प्लीज वीडियो को लाइक करें। आपके एक लाइक और एक शेयर से हमारा मोरल आता है। इसमें कुछ नया नहीं है दोस्तों, अच्छे से टेस्ट दें। रोज़ाना हम आपको यहाँ पे 2 से 3 टेस्ट प्रोवाइड कराते हैं। देखिएगा टेस्ट, अगला क्वेश्चन देखिएगा, किस देश की सरकारी रिपोर्ट को ग्रीन बुक कहा जाता है? किस देश की सरकारी रिपोर्ट को ग्रीन बुक कहा जाता है? किसको कहा जाता है दोस्तों? यहाँ पे सही आंसर कौन सा हो जाएगा? जी हाँ दोस्तों, ईरान। ईरान यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ईरान देश की सरकारी रिपोर्ट को ग्रीन बुक कहा जाता है दोस्तों। ऑप्शन ए बिल्कुल यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है दोस्तों, आपके रेलवे NTPC लेवल 1 के लिए बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। देखिएगा, रेल मंत्रालय द्वारा 15 अगस्त 2018 को देश के कितने रेलवे स्टेशन पर QR कोड आधारित डिजिटल स्क्रीन्स का संचालन शुरू किया गया है? रेल मंत्रालय द्वारा 15 अगस्त 2018 को देश के कितने रेलवे स्टेशनों पर QR कोड आधारित डिजिटल स्क्रीन्स का संचालन शुरू किया गया है? कितने पर किया गया दोस्तों? जी हाँ दोस्तों, 22 पर किया गया है। ऑप्शन सी बिल्कुल यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा, खो खो खेल का जन्म स्थान किसे माना जाता है? खो खो खेल का जन्म स्थान किसे माना जाता है दोस्तों?
खो खो खेल का जन्म स्थान किसे माना जाता है दोस्तों? किसे माना जाता है? जी हाँ दोस्तों, बड़ौदा को माना जाता है। ऑप्शन डी बिल्कुल यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा इसका। खो खो खेल का जन्म स्थान बड़ौदा को माना जाता है। नेक्स्ट देखिएगा, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है दोस्तों, अच्छे देखना। सेंट्रल एरिड जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पर अवस्थित है? सेंट्रल एरिड जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पर स्थित है दोस्तों? कहाँ पर है? जी हाँ दोस्तों, जोधपुर में स्थित है। सेंट्रल एरिड जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट जोधपुर में है। ऑप्शन सी यहाँ बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है दोस्तों, अच्छे देखना। फरक्का बांध विवाद किन देशों के बीच है? फरक्का बांध विवाद किन दो देशों के बीच है दोस्तों? किन दो देशों के बीच है? जी हाँ दोस्तों, भारत और बांग्लादेश के बीच है फरक्का बांध विवाद। ऑप्शन बी बिल्कुल यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन भारत का एकमात्र यहूदी वायसराय था? निम्नलिखित में से कौन भारत का एकमात्र यहूदी वायसराय था? कौन था दोस्तों? लॉर्ड रीडिंग। लॉर्ड रीडिंग एक भारत का एकमात्र यहूदी वायसराय रहा है दोस्तों। ऑप्शन ए बिल्कुल यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा, किस विदेशी यात्री ने भारत का दौरा सबसे पहले किया था? किस विदेशी यात्री ने भारत का दौरा सबसे पहले किया था? किसने किया था दोस्तों? जी हाँ दोस्तों, मैगस्थनीज ने किया था सबसे पहले भारत का दौरा। ऑप्शन डी यहाँ बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा, देखिएगा दोस्तों, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। भारत में किस सूफी सिलसिले को सर्वाधिक लोकप्रियता मिली? भारत में किस सूफी सिलसिले को सर्वाधिक लोकप्रियता मिली? किसको मिली दोस्तों? जी हाँ दोस्तों, चिश्ती को मिली थी। चिश्ती को मिली थी दोस्तों। ऑप्शन सी यहाँ बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है दोस्तों, अच्छे देखना। दक्षिण अफ्रीका में महात्मा गांधी द्वारा प्रकाशित पत्रिका का नाम क्या था? दक्षिण अफ्रीका में महात्मा गांधी द्वारा प्रकाशित पत्रिका का नाम क्या था दोस्तों? क्या था? जी हाँ दोस्तों, अफ्रीकन न्यूज़ था। ऑप्शन डी यहाँ बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। दक्षिण अफ्रीका में महात्मा गांधी द्वारा प्रकाशित पत्रिका अफ्रीकन न्यूज़ थी। ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला देखिएगा, भारतीय संसद में बजट पास होने की प्रक्रिया कितने चरणों से गुजरती है? भारतीय संसद में बजट पास होने की प्रक्रिया कितने चरणों से गुजरती है दोस्तों? जी हाँ दोस्तों, 5 चरणों से गुजरती है। ऑप्शन बी बिल्कुल यहाँ पे सही हो जाएगा। भारतीय संसद में बजट पास होने की प्रक्रिया 5 चरणों से गुजरती है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, विश्व में सबसे बड़ा संविधान किस देश का है? बहुत बढ़िया क्वेश्चन है दोस्तों, अच्छे देखना। विश्व में सबसे बड़ा संविधान किस देश का है? किस देश का है दोस्तों? जी हाँ दोस्तों, भारत का है संविधान, सबसे बड़ा संविधान है दोस्तों, और जो कि लिखित संविधान है दोस्तों। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे। विश्व में सबसे बड़ा संविधान और लिखित संविधान है दोस्तों भारत का। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा, किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा संपत्ति मूल अधिकार नहीं रहा? किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा संपत्ति अधिकार मूल अधिकार नहीं रहा? किसके द्वारा दोस्तों? 44वां संविधान संशोधन के तहत अधिनियम द्वारा संपत्ति मूल अधिकार नहीं रहा। ऑप्शन बी बिल्कुल यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा, देखिएगा दोस्तों, भारत की आकस्मिक निधि के किसके नियंत्रण में होती है? भारत की आकस्मिक निधि किसके नियंत्रण में होती है दोस्तों? जी हाँ दोस्तों, राष्ट्रपति के नियंत्रण में होती है। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट देखिएगा, सार्वजनिक क्षेत्र में विनिवेश को क्या कहते हैं? सार्वजनिक क्षेत्र में विनिवेश को क्या कहते हैं दोस्तों? जी हाँ दोस्तों, निजीकरण कहते हैं। ऑप्शन डी बिल्कुल यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा इसका। नेक्स्ट देखिएगा, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है दोस्तों, अच्छे देखना। उत्तर प्रदेश में यूरेनियम पाए जाने वाले जिला कौन सा है? उत्तर प्रदेश में ऐसा कौन सा जिला है जिसके अंदर यूरेनियम पाया जाता है दोस्तों? कौन सा जिला है? जी हाँ दोस्तों, ललितपुर है, उसके अंदर दोस्तों यूरेनियम पाया जाता है, जो कि उत्तर प्रदेश स्टेट के अंदर है। ऑप्शन सी बिल्कुल यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा, संसार के समस्त महासागरों में अब तक कितने महासागरीय गर्तों का पता चला है? संसार के समस्त महासागरों में अब तक कितने महासागरीय गर्तों का पता चला है? कितनों का दोस्तों? 57, 57 का पता चला है। ऑप्शन डी बिल्कुल यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा, प्रतिवर्ष कितने नोबेल पुरस्कार प्रदान किए जाते हैं? प्रतिवर्ष कितने नोबेल पुरस्कार प्रदान किए जाते हैं दोस्तों? कितने? जी हाँ दोस्तों, 6 नोबेल पुरस्कार प्रदान किए जाते हैं प्रतिवर्ष। ऑप्शन बी बिल्कुल यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा, बहुत ही क्वेश्चन है दोस्तों, अच्छे देखना। ज्ञान योग, कर्म योग तथा राजयोग नामक पुस्तकें किस प्रख्यात समाज सुधारक ने लिखी हैं? ज्ञान योग, कर्म योग तथा राजयोग नामक पुस्तकें
किस प्रख्यात समाज सुधारक ने लिखी है दोस्तों, किसने लिखी है दोस्तों? जी हाँ दोस्तों, स्वामी विवेकानंद ने लिखे हैं। ऑप्शन सी बिल्कुल यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। तीनों बुक स्वामी विवेकानंद के द्वारा लिखी गई हैं। नेक्स्ट देखिएगा, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन दोस्तों, अच्छे देखना। पानी का अपवर्तनांक 1.33 है। पानी के अंदर से मनुष्य को डूबते हुए सूर्य को किस दिशा से देखना चाहिए? पानी का अपवर्तनांक 1.33 है। पानी के अंदर से मनुष्य को डूबते हुए सूर्य को किस दिशा से देखना चाहिए दोस्तों? किस दिशा से दोस्तों? जी हाँ दोस्तों, ऊर्ध्वाधर से 49 डिग्री कोण पर देखना चाहिए। ऑप्शन सी बिल्कुल यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा, एक निश्चित लंबाई के एल्यूमिनियम के तार को खींचकर उसका व्यास आधा कर लिया जाए तो उसका प्रतिरोध कितना हो जाएगा? एक निश्चित लंबाई के एल्यूमिनियम के तार को खींचकर उसका व्यास आधा कर लिया जाए तो उसका प्रतिरोध कितना हो जाएगा दोस्तों? कितना हो जाएगा दोस्तों? जी हाँ दोस्तों, 16 गुना हो जाएगा। ऑप्शन डी बिल्कुल यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। अगला देखिएगा, टैकियान से तात्पर्य है। टैकियान से क्या तात्पर्य है दोस्तों? क्या है दोस्तों? प्रकाश गति से तीव्र गति वाले कण। टैकियान से तात्पर्य है प्रकाश गति से तीव्र गति वाले कण। ऑप्शन डी बिल्कुल यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा, सूर्य का ताप मापा जाता है। सूर्य का ताप किससे मापा जाता है दोस्तों? किससे? जी हाँ दोस्तों, पायरोमीटर तापी मापी द्वारा मापा जाता है सूर्य का ताप। ऑप्शन सी यहाँ बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है दोस्तों, अच्छे देखना। निम्नलिखित में से कौन सा एक यशद पुष्प कहलाता है? निम्नलिखित में से कौन सा एक यशद पुष्प कहलाता है? कौन सा? जी हाँ दोस्तों, जिंक ऑक्साइड कहलाता है। यशद पुष्प जिंक ऑक्साइड कहलाता है। ऑप्शन डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सही सुमेलित नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सही सुमेलित नहीं है? कौन सा नहीं है दोस्तों? जी हाँ दोस्तों, PH3 उपसंयोजक बंध। ऑप्शन डी यहाँ बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन डी बिल्कुल यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, सही सुमेलित ऑप्शन डी नहीं है दोस्तों, बाकी सभी सही सुमेलित हैं। नेक्स्ट देखिएगा, एक हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन के दो परमाणु द्विबंध द्वारा जुड़े हों कहलाता है। एक हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन के दो परमाणु द्विबंध द्वारा जुड़े हों वह क्या कहलाता है दोस्तों? क्या कहलाता है? जी हाँ दोस्तों, एल्किन कहलाता है वही। ठीक है, एल्किन कहलाता है। ऑप्शन सी यहाँ बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा, किसी परमाणु के लिए प्लम पुडिंग मॉडल किसके द्वारा दिया गया था? किसी परमाणु के लिए प्लम पुडिंग मॉडल किसके द्वारा दिया गया था दोस्तों? जी हाँ दोस्तों, जे.जे. थॉम्सन के द्वारा दिया गया था। ऑप्शन बी बिल्कुल यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा, देखिएगा दोस्तों, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। कार चालक की सुरक्षा के लिए प्रयोग में आने वाले वायु थैला में क्या होता है? कार चालक की सुरक्षा में के लिए प्रयोग में आने वाले वायु थैला में क्या होता है दोस्तों? क्या होता है? जी हाँ दोस्तों, सोडियम एनजाइड होता है। ऑप्शन सी बिल्कुल यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा इसका। नेक्स्ट देखिएगा, हवाई जहाज के टायरों को चौड़ा करने में निम्नलिखित में से कौन सी गैस प्रयोग की जाती है? हवाई जहाज़ों के टायरों को चौड़ा करने में निम्नलिखित में से कौन सी गैस प्रयोग की जाती है? जी हाँ दोस्तों, हीलियम गैस प्रयोग की जाती है। ऑप्शन डी यहाँ बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा इसका। नेक्स्ट देखिएगा, देखिएगा दोस्तों क्वेश्चन, देखिएगा बहुत बड़े क्वेश्चन है। वे कोशिकांग जो पशु कोशिकाओं में अनुपस्थित रहते हैं, वे कोशिकांग जो पशु कोशिकाओं में अनुपस्थित रहते हैं परंतु वनस्पति कोशिकाओं में उपस्थित रहते हैं, क्या कहलाते हैं? क्या कहलाते हैं दोस्तों? जी हाँ दोस्तों, वे लवक और कोशिका भित्ति कहलाते हैं। वे कोशिकांग जो पशु कोशिकाओं में अनुपस्थित रहते हैं परंतु वनस्पति कोशिकाओं में उपस्थित रहते हैं वे कहलाते हैं लवक और कोशिका भित्ति दोस्तों। ऑप्शन ए बिल्कुल यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा इसका। नेक्स्ट देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सर्वाधिक प्रोटीन युक्त शैवाल है? निम्नलिखित में से कौन सर्वाधिक प्रोटीन युक्त शैवाल है? कौन सा है दोस्तों? जी हाँ दोस्तों, सुपाइरुलिना है। ऑप्शन ए बिल्कुल यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, इसके अंदर सर्वाधिक प्रोटीन युक्त होता है दोस्तों। नेक्स्ट देखिए, देखिएगा दोस्तों, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से किन कोशिकाओं में नाभिक नहीं होता है? निम्नलिखित में से किन कोशिकाओं में नाभिक नहीं होता दोस्तों? किन में नहीं होता है? जी हाँ दोस्तों, लाल रक्त कोशिकाओं के अंदर नाभिक नहीं होता है, बाकियों में सभी में नाभिक होता है। प्लेटलेट, मूल रोम कोशिका, मोनोसाइट, सभी में नाभिक होता है, लेकिन लाल रक्त कोशिका के अंदर नाभिक नहीं होता है, जिस कारण यहाँ पे ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा, निम्नलिखित में से क्या DNA में मौजूद रहता है किंतु RNA में मौजूद नहीं रहता है? निम्नलिखित में से क्या DNA में मौजूद रहता है किंतु RNA के अंदर मौजूद नहीं रहता है?
यहाँ पे सही आंसर कौन सा हो जाएगा दोस्तों? जी हाँ दोस्तों, थायमिन के अंदर। ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा, लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों, बहुत बड़े क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाला आपकी परीक्षा के लिए। अच्छे से देखना, निम्नलिखित में से किस एक भारतीय वैज्ञानिक ने पादपों में जल की लंबी दूरी के अभिगमन का सिद्धांत प्रस्तुत किया? निम्नलिखित में से किस एक भारतीय वैज्ञानिक ने पादपों में जल की लंबी दूरी के अभिगमन का सिद्धांत प्रस्तुत किया है? किसने किया दोस्तों? जेसी बोस ने। ऑप्शन डी यहाँ बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा यहाँ पे। दोस्तों ये थे आज के हमारे जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चन, जो कि आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। दोस्तों जिन्होंने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर करें। हम आपसे बार बार यही रिक्वेस्ट करते हैं, वन लाइक वन शेयर, ठीक है दोस्तों? और दोस्तों जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और अपने एग्जाम की अच्छे से तैयारी करें। दोस्तों आज के लिए इतना ही, थैंक्स फॉर वॉचिंग।